हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई। आज की मेरी रेसिपी है न्यू स्टाइल आलू करी, जिसको कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम छोटे आलू लिए हैं, जिनको कि बॉईल करके छील लिया है। एक प्याज, एक इंच अदरक और 4-5 लहसुन की कलियों का पेस्ट बना लिया है। आधा बाउल हरा धनिया लेंगे, 2 हरे मिर्चे लेंगे जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। 1 चम्मच जीरा लेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे या आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 1 चम्मच नमक लेंगे या आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, पानी लेंगे सब्जी में डालने के लिए। इसको बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई को चढ़ाया, कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम हरी मिर्चा डाल देंगे। आंच को हम धीमा ही रखेंगे, हरी मिर्चे को लाल कर लेंगे। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए, हमने इसको धीमी आंच में भून लिया है। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे, चला लेंगे। धीमी आंच इसको भून लेंगे थोड़ा सा। हमारा भुन गया है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। तो हम धीमी आंच से भून लेंगे। धीमी आंच पे इसको 3-4 मिनट भून लिया है। अब ये हमारा भुन गया है, अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है, अब इसमें हम गरम मसाला, आमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको हम मिलाकर 2-3 मिनट पका लेंगे। ये हमने इसको धीमी आंच पे 2-3 मिनट पका लिया है और ये अब हमारी बन गई है। इसमें हम धनिया डाल देंगे और इसको हम चला लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, हमारी आलू करी बनके तैयार हो गई है। इसको रोटी, पराठे, पूड़ी या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोगों ने देखा, आज हमने न्यू स्टाइल आलू करी कितने आसान तरीके से बनाई। ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आती है। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा। अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।